नमस्कार दोस्तों, सैमसंग की तरफ से आने वाले कुछ मिड रेंज फ़ोनों में से एक तगड़ा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M31, जिसका कुछ स्पेक्स निकल के आया है। बहुत दिन पहले ही आया था, अभी भी कुछ स्पेक्स निकल के आया है और इसका डिज़ाइन ओवरव्यू सब कुछ निकल के आ चुका है। खाली प्राइस मतलब रिलीज होना बाकी है और इंडिया में इसको लॉन्च होना बाकी है। बाकी सारा जो लगभग होने वाला है तो वो सब कुछ आ चुका है। तो आपको बता दें कि ये आपको 9611 जो कि सैमसंग का अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था, तो M30S के साथ ये 9611 आया था और A50S के साथ, तो ये आने वाला है। और ये जो स्टार्ट होगा ये शायद 14 से लेकर 15 से शुरू हो जाएगा इसका प्राइस। और इसके अगर चिपसेट के डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपको 2.3 GHz का क्वाड कोर देखने को मिलेगा और एक कॉर्टेक्स का A73 और कॉर्टेक्स A53 का 1.7 GHz में आपको एफिशिएंट कोर मिल जाएगा। तो ये आपको सैमसंग का जो एक्जिनोस 9611 में आपको मिल रहा है, इसके साथ आपको 6GB रैम जो बेस वेरिएंट होगा उसमें ही आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी जितना भी मिड रेंज वाला फ़ोन निकल रहा है तो उसमें सारे में 6GB रैम से ही शुरू हो रहा है, तो ये 4GB वेरिएंट में भी आ सकता है और 6GB से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको डिस्प्ले जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका IPS LCD डिस्प्ले, जिसमें आपको रेजोल्यूशन आपको मिलेगा फुल HD प्लस और आपको जो पिक्चर क्वालिटी होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सैमसंग का जो LCD डिस्प्ले भी होगा तो वो भी अच्छा होने वाला है। और इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा। पीछे की तरफ आपको 48+12+5 MP का ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा और जो सेल्फी होगा वो 16 MP का हो सकता है, ठीक है। और इसका जो लॉन्च डेट है ये शायद आपको जनवरी के मिड से लेकर फेब्रुअरी तक आपको मिल सकता है, फेब्रुअरी में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा बताया जा रहा है। और इसका जो आपको बिल्ड क्वालिटी होगा, क्योंकि M30S में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ था क्योंकि इसका मतलब M30S का बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, तो वो बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं था इसीलिए क्योंकि इसमें 6000 mAh बैटरी दिया गया था। अगर आपको उसमें अच्छा खासा कुछ बैक पैनल दिया जाता तो काफ़ी बल्की हो जाता, तो इसीलिए आपको उसमें पतला सा एक मटेरियल दिया गया था, तो इसीलिए आपको उसमें बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं मिला। लेकिन इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी शायद आपको अच्छा मिल सकता है। और ये आपका जो कलर होगा, क्योंकि इस साल आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स में आपको फ़ोन देखने को मिल रहा है, तो सैमसंग गैलेक्सी A50S जैसा था तो इसमें आपको वैसे ही कलर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी इसमें फीचर्स है ये मतलब M30S के जैसा ही है, क्योंकि इसमें आपको जो OS वर्सन मिल रहा है वो आपको जो One UI आपको मिल जाता है, और उसका जितना भी फीचर्स है जो M30S में मिल रहा था तो वो सब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं होगा, खाली आपको बैक पैनल में आपको थोड़ा अपग्रेड मिलेगा और छोटा मोटा अपग्रेड मिलेगा, जैसे कि कैमरा में आपको अपग्रेड मिलेगा, तो ऐसा ही अपग्रेड होने वाला है। और प्राइस थोड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 1000 आपको प्राइस ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय। And watch me weep.